सावन की बौछार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन भाई बहन का ऐसा टकराव वाला रिश्ता जिसमें प्यार मोहब्बत हर चीज़ मिलती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं और फिर मिल जाते हैं। भाई बहन का रिश्ता मजबूत है, धागों से बनता। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। यहाँ पर बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा राखियाँ बनी हुई हैं, तरह तरह की राखियाँ देखने को मिल रही हैं, कुछ अलग वैरायटी हैं, कुछ अलग क्वालिटी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर राखियाँ का दाम थोड़ा सा महंगा है लेकिन क्वालिटी उन्हें मिल रही है। चलिए जानते हैं कि राखियों के दाम और राखियों की वैरायटी इस बार किस तरह से नई आई है और किस तरह से दोनों के बीच में क्या अंतर है पिछले बार और इस साल के बारे में। पिछली बार से ज़्यादा थोड़ी महंगी है इस बार राखी, लेकिन क्वालिटी सबसे बेस्ट आई है इस बार। फिर राजस्थानी में आया है अपने भोपाल के, उसमें नगमे से इंडेक्स में आया है। इसमें ये मिल जाएगा आपको, कढ़ाई में मिल जाएगा, उसमें ये लुम्बे में आएगा, भाभी के लुम्बे में मिल जाएगा, राजस्थानी लुम्बे मिल जाएंगे आपको, बच्चे में भीम मिल जाएंगे आपको, मोटू पतले मिल जाएगा, अलग अलग तरह की कड़ों में हैं और लुम्बों में बहुत सी वेराइटी अपनी। अच्छा, बच्चों को कार्टून कैरेक्टर देखने में ज़्यादा पसंद आता है, तो आप जिस तरह से कार्टून कैरेक्टर के आप कुछ नया वैरायटी आए पिछली बार के मुकाबले? नहीं, पिछली बार कुछ नहीं आया, वही चल रहा रिपीट, छोटा भीम मोटू पतलू इस टाइप में आएंगे आपको, दो चार मिलेंगे, गणेश जी मिल जाएंगे इसमें ये पॉपअप करके कोई नई वाली नहीं आई है इस बार, बच्चों के लिए अच्छा भा रही है इस टाइम से। ये पॉपअप वाली है, इसमें रबड़ बैंड वाला है, तो बच्चों से जरी वाला आइटम पहले आता था, फोम वाला बंद हो चुका है, इस बार बच्चे मुंह में ले लेते थे इसलिए कलर चला जाता था, इसलिए रबड़ बैंड में आया इस बार। ये जो नए वैरायटी है इसमें बिक्री आपकी कितना हो रहा है इस बार? ठीक है मार्केट, लेकिन 50% ही है इस बार, ज़्यादा मार्केट नहीं है इस बार। महंगाई को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई को लेकर क्या है, वो सबके साथ ही है, अब मेरे साथ क्या, जब महंगी आएगी थोड़ा बिकेगा बहुत आइटम। अच्छा, राखियों के जो कुछ खास, जो आपकी दुकान के सबसे खास जो राखी है उसमें से आप एक दो राखी बताइए ना। इस टाइप से पीकॉक में आया, मोर में आया, मेरे पास सबसे बेस्ट सबसे अच्छी राखी इस टाइम, एक वो एडी वाला बनाया ना, एक ये आया इसमें, ये सबसे बेस्ट आया मेरे पास, और इसमें जरी में मिल जाएगा आपको, धागों में मिल जाएंगे, बहुत से आइटम है, बहुत सी चीज़ें इसमें, लुम्बो मिल जाएगा भाभी के सबसे ज़्यादा। लोग सबसे ज़्यादा आपकी दुकान से कौन सी राखी पसंद करके लेके जा रहे हैं इस टाइम? जो धागे में है सबसे ज़्यादा, मोर में है, भाभी के लुम्बे में, जोड़े में सबसे बहुत ये आएगा, ये आएगा एक मोर में। तो देखा आपने किस तरह यहाँ पर लोग अपनी पसंद की राखियाँ लेकर जा रहे हैं। लोगों का कहना भी है कि राखियों के थोड़े दाम बढ़े हैं लेकिन राखियों के उनके बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप राखियाँ जो किस तरह से मार्केट आपको लग रहा है, राखी अच्छी है, कैसी है, किस तरह से आप राखी ले रही हैं? अभी तो बस शुरुआत ही की है, मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी तो, अभी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। महंगाई को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगी, राखी के दामों में पिछले बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है? जी बिल्कुल हुई है, बढ़ोतरी तो हुई है, काफ़ी महंगी हो गई है राखियाँ। जो राखियाँ हम 60 रुपये 50 रुपये की 12 लिया करते थे वही आज 100 रुपये 120 रुपये की हो गई हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि आप राखी अपने भाई को ले रही हैं तो क्या कुछ स्पेशल राखी सोचा है, कुछ नई तरह की? हाँ वही एक्सप्लोर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कुछ स्पेशल मिले। छोटा भाई है बड़ा? छोटा है। तो छोटे भाई के लिए फिर कार्टून वाले कैरेक्टर ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, कार्टून की राखियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, थोड़ा सा आकर्षित होती है। अच्छा, तो राखी तो आपने पसंद की ले रही हैं लेकिन तोहफा आप उनसे क्या उम्मीद कर रही हैं? छोटा भाई है, क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो दे दे वो ठीक है। उम्मीद गिफ्ट की भी उम्मीद नहीं की जा रही छोटे भाइयों से, राखियाँ तरह तरह की ले जा रही हैं। राखियों के बाज़ार में हर तरह की राखियाँ मिल रही हैं। चलिए हम लोग जानते हैं इनसे आप कौन सी राखी ले रही है, कौन सी पसंद आ रही है आपको? ये पसंद है। ये आपके भाई भोपाल में रहते हैं या बाहर रहते हैं? नहीं, गाँव में रहते हैं, शहडोल में। अच्छा, तो फिर आप उनके लिए राखियाँ तो यहाँ से लेके जा रही है, मिठाई घर पे खुद से बनाई है या तो बाजार से ही खरीदेंगे? नहीं, बाजार से खरीदेंगे। तो आप बताइए आप अपने भाई के लिए कौन सी राखी ले रही हैं? ये वाली। इसमें खास बार आप राखी ले रही हैं तो कौन सी नई राखी ले रही हैं, क्या देख रही हैं, कुछ खास नज़र आ रहा है आपको? नहीं मैम, कुछ भी खास नहीं नज़र आ रहा है, वही है लास्ट टाइम वाला स्टॉक है, अभी जस्ट आई हूँ तो जस्ट देख ही रही हूँ। तो एक बात बताइए, आप रक्षाबंधन की तैयारी कर रही हैं तो मिठाइयाँ भी लेकर ही जाएंगी, तो बाजार से खरीदेंगे या फिर घर से बनाने का? कुछ बना के घर से अपने भाइयों के लिए राखी बनाती हैं? यस हाँ, ये तो मेरी डॉटर है, ये खुद ही बनाती है राखी भी।
अच्छा तो आप अपने भाई के लिए खुद से राखी बनाते हैं? यस। तो आप यहाँ से नहीं ले रही हैं? नहीं। ये आपका भैया है? या। तो फिर आप अपने भाई के लिए किस तरह की राखी लेना पसंद कर रही हैं? मैं राखी देती नहीं हूँ, मैं बनाती हूँ। किस तरह की बना रही हैं? प्लेन सिंपल, ज़्यादा से ज़्यादा टिके। अच्छा तो राखी तो बना रही हैं आप, लेकिन अपने छोटे से भाई से क्या लेने की उम्मीद कर रही हैं? क्या गिफ्ट चाहती हैं आप उनसे? मैं ढेर सारा प्यार चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट रखे। अच्छा। और मेरी हर बात सुने। रक्षाबंधन का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार जिसमें भाई बहन के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन तकरार भी उतनी ज़्यादा ही होती है। लड़ाई झगड़े के बिना भाई बहन का रिश्ता अधूरा माना जाता है। चलिए जानते हैं इनसे कौन सी राखी ले रही है। आपने राखी कौन सी ले रही है, पसंद किया आपने? हाँ, शिव जी वाले। शिव जी राखी ले रही है। अच्छा, तो राखी में कुछ नया नज़र आ रहा है आपको? अभी तो जस्ट अभी हम आई है, अभी हम देख रहे हैं कि क्या न्यू होने वाला है, वही अभी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो राखियाँ के बाद मिठाइयाँ आप घर से बना के देती हैं या फिर आप अपने भाई के लिए प्यार से मतलब लेके जाएंगी या बनाएंगे? हम तो लेके जाते हैं, बनाने का इतना टाइम नहीं होता तो लेके ही जाते हैं। अच्छा, प्रॉपर भोपाल की हैं? जी, वो प्रॉपर। तो आपके भाई यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं। तो आप राखियाँ तो बड़े अच्छे से चूज़ कर रही हैं, मैंने देखा आपको। तो आप अपने भाई से गिफ्ट किया तोहफे की क्या उम्मीद कर रही हैं? क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस प्रेम चाहिए, बस प्यार चाहिए। बहनों का कहना है उन्हें गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, तोहफे में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें प्रेम चाहिए। भाई का प्रेम बहन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होता है। बहन के लिए एक गिफ्ट लाना या उसके लिए चीज़ें करना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपनी बहन को किस तरह से सम्मान, किस तरह से अपनी बहन को प्यार देता है। रक्षाबंधन की बात है तो राखी की तो बात आती ही है। देखते हैं राखी इस बार किस तरह नई नई राखियाँ आई हैं बाज़ार में। ये देखिए इस तरह की राखी है, इसमें मोर भी बना हुआ है, थोड़ा सा अच्छी डिज़ाइन लग रही है। राखियों के साथ साथ यहाँ पे इस बार थालियाँ भी बनाई गई हैं। थालियों में बहन अपने भाई के लिए राखी, मिठाई और तिलक लगाकर सजा कर अपने भाई को देगी। तरह तरह की यहाँ पर प्लेटें हैं, तरह तरह की राखियाँ मौजूद हैं। भाभियों की राखी की बात करें तो भाभियों की राखियाँ इसमें बहुत तरह तरह की आई हुई हैं। झुमकियों वाला पैटर्न इस बार नया मार्केट में देखने को मिल रहा है। झुमकियों वाला पैटर्न अक्सर कानों की बालियों में नज़र आता है, लेकिन इस बार राखियों में भी नज़र आ रहा है, जो कि लोगों को बड़ा आकर्षित कर रहा है, लोगों को अपनी ओर खींच रहा है ये पैटर्न। काफ़ी लोग इस तरह की राखियाँ लेना पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोग इस तरह की राखियाँ लेकर भी अपने घर जा रहे हैं। देखा आपने राखियों का बाज़ार में इस बार कितनी धूम है। बाज़ार पूरा राखी और मिठाइयों से भरा पड़ा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना समय निकाल कर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, राखियाँ ले रहे हैं और साथ में तरह तरह की उनको राखियाँ भी मिल रही हैं। मार्केट पहले से थोड़ा सा अलग देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार के मुकाबले थोड़ी नई वेराइटी की राखियाँ मौजूद हैं। कैमरामैन भरत के साथ मैं अंजलि पांडे, लल्लू राम.com भोपाल।